अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल जिलेवासियों के लिए यादगार बन गया। साल के पहले दिन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जिले में करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात लेकर पहुंचे। संभवतः यह पहला अवसर था जब मुख्यमंत्री के साथ इंदौर संभाग के मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायक एक ही मंच पर मौजूद रहे। 2:30 बजे सीएम मंच पर पहुंचे। यहां मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने सीएम का पुष्पगुच्छ के साथ ही आदिवासी संस्कृति की पहचान तीर कमान सौंपकर सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने रिमोट दबाकर 182 करोड़ रुपए की लागत से जिले सहित इंदौर संभाग में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। सीएम ने सभा के दौरान जनता को आश्वस्त किया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई योजनाएं आगे भी चलती रहेंगी। विकास कार्यों को नई सरकार गति देने के लिए संकल्पित है। सीएम ने यहां भाजपा को विधानसभा में प्रचंड बहुमत देने पर जनता का आभार भी जताया। दोपहर करीब 1:30 बजे पर सीएम का हेलीकॉप्टर कसरावद रोड स्थित मेलडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बने हेलीपैड पर उतरा। यहां से खुली जीप में सवार होकर नवग्रह मेला मैदान स्थित सभा स्थल पहुंचे। सीएम के पहुंचने पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता, आमजन, व्यापारियों आदि ने सीएम का ढोल ताशों, पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी कर स्वागत किया। हेलीपैड से सभा स्थल के करीब 1.5 किलोमीटर के मार्ग पर 40 स्वागत मंच लगाए गए थे, जहां से लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम का अभिनंदन किया। वहीं सीएम करीब 2:20 पर जन आभार यात्रा करते हुए श्री नवग्रह मंदिर पहुंचे। यहां नवग्रह देवताओं के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद सभा स्थल पर ही श्री नवग्रह मेले का पूजन किया गया। पंडित लोकेश जागीदार ने मंत्रोच्चारण से भूमि पूजन संपन्न कराया। सरकार सभी से शक्ति के साथ निपटने में सक्षम है। हम सब मिलकर ऐसे विकास के कई कई कामों को लेकर और आपके बीच में तो बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब ये सारा निर्माण इस बात के लिए लालायक है कि हमारा क्या खंडवा, क्या खलोक, क्या बुरहानपुर, क्या बड़वानी, हमारे सारे के सारे जिले सब विकास के दरकार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, निश्चित रूप से ये सारे जिलों में विकास के लिए इस दिशा में भी ठोस कदम किया जाएगा। जो यहाँ में जनप्रतिनिधि कहेंगे वो सारी की सारी मांगे मान ली जाएगी और हम अपने यहाँ रोजगार के नए अवसर खोलेंगे। आने वाले समय में जैसे ये खंडवा की ट्रेन आपके पास आ रही है, ब्रॉडगेज लाइन, इस ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से मेरी अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई, हमने कहा कि ये तो भविष्य में रेलवे ट्रैक उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला, वर्तमान में अगर खंडवा तक दक्षिण की ट्रेन आती है फिर वो इटारसी जाती है, फिर भोपाल जाती है, फिर ग्वालियर जाती है और बाद में दिल्ली पहुंचती है। लगभग 250-300 किलोमीटर का चक्कर बच सकता है अगर वो ट्रेन सीधी खंडवा से हमारे इस परंपरागत इंदौर के मार्ग पर निकाल दो तो लगभग लंबा समय बचेगा। और हमने कहा कि अभी आपने सिंगल ट्रेक बनाया, ये डबल ट्रेक बनाने की मांग उनके सामने रखिए और बहुत जल्दी विचार करते हैं वो उस योजना पे काम करेंगे जिसके माध्यम से एक नया रेल का ट्रेक आपसे जुड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर विकास की संभावना आएगी। हमारा अपना उज्जैन, इंदौर और जनभागीदारी सड़क 167 करोड़ की लागत से 41 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी इसी में जोड़ा गया। इसी प्रकार से 7,54,00,000 की लागत से तालियां बजाते जा नान कोटी बैराज और कहरी बैराज का भी लोकार्पण हम कर रहे हैं। मैंने नवग्रह मेले का शुभारंभ की बात कही है, इसके विकास के लिए भी 25 करोड़ रुपए आपके जिले में आ चुके हैं जोरदार तालियां बजा सरकार के लिए कि स्थायी सौगात मिलेगी आपको अपने इस निर्माण कार्य के लिए। और खास बात, मैं आज आपके बीच लंबा भाषण देने तो नहीं आया था लेकिन आपने जिस प्रकार से अपने इस ट्रेन का प्रकटीकरण किया मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ हमारी अपने प्रचंड बहुमत की जीत के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार ताली बजा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में ये सारे के सारे विधानसभा के चुनाव अच्छे अच्छे कांग्रेस के लोगों के पता नहीं क्या क्या मंसूबे बने हुए थे, कोई खुलिया को तो देखना चाहता ही नहीं था, केवल अपने नाम का बना लिया, ऐसे सरकार बन जाएगी, वैसे सरकार बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भूल गए कि देश के अंदर एक ऐसा नेता है जिसको पूरा विश्व मानता है,
नरेंद्र मोदी जी की जनता में क्या आवाज है ये वो भूल गए थे। सारे के सारे मनसूबे धरे रह गए क्योंकि विकास करने वाले के साथ जनता जाना चाहती है। और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीन तीन राज्य की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, जोरदार तालियां बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और उनके नेतृत्व में हमारा अपना देश लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे अच्छे देशों की कतार में हमारी पांचवी आर्थिक रूप से ताकत तो बनी है। हम सब समाचार पत्र पढ़ रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था के किनारे को हम पहुंच गए हैं और यह 2024 का चुनाव जो आ रहा है निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। वो लोग बनाने वाले हैं कि नहीं, अगर मेरी बात सोचेगा तो काली बजा के बताए कि नरेंद्र मोदी जी की आवाज का उनके काम का जादू है। हम सब जानते हैं हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाते हुए भारत में मध्यप्रदेश को भी नंबर वन राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे। जोरदार ताली बजा करके दोनों मुट्ठी बांध करके संकल्प करें मेरे साथ कि हाँ, हम मध्यप्रदेश में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में अपने मध्यप्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो मंच भी खड़ा हो जाए और आप भी खड़े हो जाए, दोनों मुट्ठी जोर से बांधे और हम सब संकल्प करें जब तक मध्यप्रदेश को नंबर वन की स्थिति में ले जाएंगे तब तक चैन की नींद ले लेंगे। मेरे साथ सभी बोले जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार ताली बजाएं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करके लाड निकाले थे। 1835 की शिक्षा नीति का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। अब हमारे यहाँ कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ और पढ़ने की नई शिक्षा नीति पूर्ण लागू हो जाएगी तो वो हमारे जीवन में उत्कर्ष देने वाली होगी, वो जीवन को बदलने वाली होगी। वो गया जमाना कि कागज की डिग्री लेकर के हम बेरोजगार की खोज बढ़ाते थे, अब इसकी आवश्यकता नहीं रहने वाली। आज के जमाने में अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा उसके अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज के अवसर पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में हमारे प्रत्येक कॉलेज से, प्रत्येक स्कूल से बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के दरवाजे खोले जाएंगे। इसलिए सभी जिलों में एक एक कॉलेज तो सभी कोर्स लेके चलेगा। एक्सीलेंस कॉलेज का निर्णय भी हमने पहले कैबिनेट में किया है, वो खरगोन सहित हर जिले में एक एक कॉलेज खोला जाएगा जिसमें सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ने जाए वो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, उनकी जिंदगी में उजाला आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उनके जीवन में ये केवल कागज की डिग्री का महत्व हो ये किसने सिखाया, ये सारी व्यवस्था बदलेगी। अरे वो कुछ नहीं तो अपनी खेती बाड़ी में करने वाला गांव का बच्चा भी अगर पढ़ते जाए तो उसकी पढ़ाई उसके जीवन में काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये छूट रहा था। हमने सारे प्रयास किए कि वो सारे प्रबंध हम करेंगे। आज के अवसर पर मैं आपके बीच में इस बात को भी कहना चाह रहा हूँ, आज अपने यहाँ इसी संभाग में हमने विकेंद्रीकृत व्यवस्था के आधार पर पूरे संभाग के सभी सांसद विधायक सबको बुलाया और हमने कहा कि शासन की योजनाओं का समीक्षा भी संभाग लेवल पे करेंगे और संभाग से जिला और जिले से विधानसभा तक प्रत्येक योजना के प्रत्येक निर्णय का पालन नीचे करने की प्रबंधन हमने किया है। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।